हमने सभी आप सर्वेभ्यो नमः। पिछली क्लास में हम लोग प्रत्यादेश का अध्ययन कर रहे थे। हमने अध्ययन किया था कि प्रत्यादेश मतलब प्रत्यय के स्थान पर आदेश होते हैं। तो हमने लट लकार सिद्ध किया था, लंग लकार का परस्मै पद सिद्ध किया था। अब लंग लकार का आत्मनेपद बाकी है, तो उससे पहले एक कुछ बात बताना चाहता हूं मैं। आज हम धात्वादेश पढ़ेंगे, ठीक है, और जो प्रत्यादेश हमारा जो रह गया है वो हम बीच बीच में समय निकालते निकालते कभी किसी दिन ऐसे करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता इतनी नहीं है अभी। उसको ना पढ़ने पर और पढ़ने पर दोनों पे से काम चल जाएगा। अभी केवल आपको जो मुख्य मुख्य है वो समझना है। अभी प्रत्यादेश सभी समय जो तीतः की सभी प्रत्यादेश है, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग उनको कंठस्थ करिएगा, ठीक है। अस्तु महोदय, अब चलते हैं। आज की जो कक्षा का जो विषय है वो रहेगा हमारा धात्वादेश। धात्वादेश मतलब कि धात, जैसे हमने प्रत्यादेश समझा था, प्रत्यादेश माने निकुंज महोदय क्या था? प्रत्यय के स्थान पर जो आदेश किया जाता है वो प्रत्यादेश। अब कहेंगे धात्वादेश, अब वही धातु के साथ घटाइयों से, धातु के स्थान पर जो आदेश किया जाता है वो धात्वादेश, ठीक है जी। तो देखिए, धातु पाणिनि जी ने पढ़ी है 1930, उनमें से कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनको सार धातु प्रत्यय पर होने पर कभी कुछ हो जाता है, चेंज आ जाते हैं, और कुछ कभी आर धातु प्रत्यय पर होने पर कुछ चेंज आ जाते हैं। तो हमें वो सीखना है कि किस प्रत्यय के पर रहने पर कौन सा चेंज आता है, ठीक है। आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या मेरी? नहीं, अभी तक तो नहीं हो रही सर। अब हो रही है सर? हाँ, आपकी स्क्रीन दिखाई तो दे रही। हाँ, अभी शुरू हुई। अब देखिए, पहले ये आज हम पुस्तक से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब तृतीय उपांग, पहला उपांग क्या था? विकरण। आप सभी को विकरण का ज्ञान हो गया कि किस गण से कौन सा विकरण लगता है। अभी भी मैं कहना चाहूंगा, जिन लोगों को विकरण याद नहीं है वह धीरे धीरे करके विकरण याद कर लीजिए, क्योंकि विकरण के बिना व्याकरण मतलब धातु आदि इसमें गति नहीं रहेगी, आपकी पढ़ नहीं पाएंगे आप, ठीक है। अब कह रहे माता जी की पुस्तक के अनुसार हम एक एक लाइन को घटाते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, लिखा है कि धात्वादेश करने वाले सूत्र पाणिनि अष्टाध्याय में बहुत सारे हैं, और कौन कौन से, माता जी ने एक मोटा मोटा बताया है कि दूसरे अध्याय के चौथे पाद के 35वें सूत्र से लेकर के दूसरे अध्याय के चौथे पाद के 57 सूत्र तक कुछ धात्वादेश करने वाले सूत्र हैं। ऐसे करके यहाँ भी बताया 6445 से लेकर 6457 तक भी धात्वादेश करने वाले सूत्र हैं, और 7371 से लेकर 7381 तक भी धात्वादेश करने वाले सूत्र हैं। अभी हम सारे सूत्र नहीं पढ़ेंगे, अभी हम कितने सूत्र पढ़ेंगे इसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, प्रत्यय परे होने पर धातु के स्थान पर जो आदेश होता है उन्हें धात्वादेश कहते हैं। समझ में आया सभी को? अस्तु महोदय, अष्टाध्यायी में सार धातु और आर धातु प्रत्ययों के लिए धात्वादेश अलग अलग प्रकरणों में कहे गए हैं। देखिए, आपको अभी सबको बताया गया था कि सार धातु और आर धातु कैसे उसका ज्ञान करना है। तिंग शित सार धातुकम, तिंग प्रत्यय और शित प्रत्ययों की सार धातुक संज्ञा होती है, और आर धातुकम शेषः, और तिंग के अंतर्गत भी केवल चार लकार ही आपके सार धातुक रहते हैं, और वो है लट, लोट, लंग और विधिलिंग, ठीक है। तो अभी हम जब सार धातुक हमने बोला है तो केवल सार धातुक के लिए अभी पढ़ेंगे हम। तो सार धातुक कौन से होते हैं? लट, लोट, लंग, विधिलिंग, इन चार लकार के परे होने पर अभी हम सार धातु के लिए पढ़ेंगे। कह रहे हैं अभी हम आपको सार धातु प्रत्यय परे होने पर होने वाले धात्वादेश बतला रहे हैं, ठीक है। अभी केवल मात्र आपको सार धातु प्रत्यय परे में होगा तो बतलाएंगे। सूत्र आया, दिख रहा है सर अच्छे से आपको? जी जी सर। दंश, संज, स्वंजाम, शपी,
सूत्र एक बार फिर से सभी लोग सुनिएगा, उच्चारण सही से, दंश संज स्वंजाम शपि। इस सूत्र में एक मोटा मोटा समझते हैं। सबसे पहले दंश संज स्वंजाम, इसमें षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, और शपी, शपी में सप्तमी विभक्ति है। एक बात याद रखिए आप सभी लोग, अब से ये पहले पिछली कुछ कक्षाओं में मैंने बताया था कि जिस सूत्र में षष्ठी होती है उसके स्थान पर कोई ना कोई कार्य होता है, और सप्तमी जिसमें होगी उस शब्द के परे होने पर कार्य होता है, उस शब्द के बाद में होने पर। अब देखिए सर, शपी में जो है, शपी में सप्तमी विभक्ति है, अर्थात शप परे होने पर क्या अर्थ बनेगा हमारा, शप के बाद, शप परे होने पर। अब शप क्या है, शप विकरण है हमारा, ठीक है, तो शप विकरण परे होने पर क्या होता है, शप विकरण परे होने पर, तो कह रहे हैं कि दंश संज स्वंज इन धातुओं के नकार का लोप होता है शप विकरण परे होने पर। मतलब कि जब भी आपको दंश धातु से शप विकरण पर में मिलेगा तो आपको दंश के ना का लोप करना है, संज के ना का लोप करना है और स्वंज के ना का लोप करना है। अब ये बताइए, दंश में ना का लोप हो जाएगा, मैं जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे, ठीक है। दीपक शाह जी बताइए, दंश में यदि ना का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, कोई बात नहीं, दश दश क्या बचेगा, दश दश दश। संज में कौन, संज में क्या बचेगा, दक्षादि, कहां संज में, संज में सज सज सज, और निकुंज महोदय स्वंज में क्या बचेगा, स्वज स्वज। समझ में आया सभी को कि जब इन तीनों धातुओं के नकार का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, दंश में दश, संज में सज और स्वंज में स्वज। कब होगा इनके नकार का लोप, तो शप विकरण परे होने पर। यदि शप विकरण पर में नहीं होगा तो होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखिए जब हम जब अभी प्रक्रिया सीखेंगे तो देखिए प्रक्रिया में थोड़ा मोटा मोटा समझते हैं अभी, ये अब जो मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा बहुत हल्का सा बताऊंगा, उसको अगर किसी को समझ में ना आए तो कोई बात नहीं। दंश धातु ली हमने और दंश धातु से हमारी इच्छा हुई कि हम लट लकार का, लट लकार के एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रयोग करेंगे। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रयोग करने के लिए हमने कौन सा क्या लाए, कौन सा प्रत्यय लाया, ती प्रत्यय, ठीक है। अब यह ती प्रत्यय हमारा कैसा है, लट लकार का है और लट लकार सार धातु होता है, ठीक है। आपकी इच्छा, तो आपने क्या किया, ती प्रत्यय परे होने पर क्या हो जाएगा, धातु और प्रत्यय के दोनों के स्थान पर कौन बैठ जाएगा, विकरण। तो शप विकरण आ गया, क्योंकि दंश धातु हमारे किस गण की है, भवादि गण की। समझ में आया सर, भवादि गण की होने के कारण दंश धातु से शप विकरण होता है। अब देखिए एक बार देखा जाए, दंश शप में इत संज्ञा करने के बाद क्या बचेगा निकुंज महोदय, दश ही बचेगा, दश और शप का अन्य संज्ञा, शप बचेगा, शप में क्या बचेगा दीपक शाह सर, आ कैसे बचेगा, देखिए जो शप में प है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होगी, और जो शाह है तालव्य शाह उसकी लशक्व तद्धिते, क्योंकि ये शप है जो ये हमारा प्रत्यय है, ठीक है। अब कुछ लोगों के मन में ये आता है कि प्रत्यय ये हमारा शब्द प्रत्यय है पर इसे विकरण क्यों कहते हैं। हरिओम हरिओम, हाँ हाँ सुनिए थे महोदय। तो अब देखिए ये जो हमारा शप शप है ये हमारा प्रत्यय है, ठीक है। अब इसका नाम फिर अलग से क्यों कहते हैं, इसको विकरण क्यों कहते हैं,
तो विकरण इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि यह जो प्रत्यय है यह धातु और प्रत्यय दो के बीच में आकर बैठता है, इसलिए इसका नाम क्या है? विकरण। ठीक है। और अन्य जो प्रत्यय हैं वो हमेशा लास्ट में बैठते हैं, पर यह ऐसा प्रत्यय है जो धातु और प्रत्यय दोनों के बीच में आकर बैठता है, इसलिए इसका अलग से नाम दिया विकरण। विकरण, ताकि विकरण बोलने। हरिओम। हाँ हाँ महोदय। हाँ, तो इसलिए इसका नाम अलग से दिया ताकि यह एक ऐसा विकरण, ऐसा प्रत्यय है जो धातु और प्रत्यय के बीच में आके बैठता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? शप विकरण रख दिया। ठीक है। अब देखिए शप में शा और पा की संज्ञा हुई, केवल बचा आ। अब देखिए शप आ पर शप प्रत्यय विकरण पर में है तो दंश धातु के ना का लोप हो गया, तो क्या बचा? दश। तो दश अ और ती मिलके क्या बन गया हमारा? दशपति। अब संज में क्या बचा? सज। और शब का क्या बचा? अ। तो शब विकरण पर में है तो संज के नकार का लोप हो जाएगा, तो सज अ ती, तो क्या बनेगा? सजति। और स्वज धातु देखिए, ये जो स्वज धातु है ये हमारे आत्मनेपद में बनती है, इसका प्रयोग केवल हम आत्मनेपद में ही कर सकते हैं, परस्मै पद में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो स्वंज में स्वज बचेगा तो स्वज अ ते, तो क्या बनेगा? स्वजते। ठीक है सर महोदय, सबको समझ में आया? जी जी। अब इसी प्रकार रंज धातु में, अब ये जो प्रक्रिया है शप परे होने पर, ये ज्यादा बार बार नहीं बताऊंगा, हल एक एक बार बता दिया बस बात है। अब रंजेश च सूत्र है हमारा, रंजेश च, तो ये कहता है रंज धातु के नकार का लोप होता है शप विकरण परे होने पर। तो जैसा पूर्व सूत्र ने कहा था कि दंश संज स्वंज इनके नकार का लोप होता है शप विकरण परे होने पर, यह सूत्र भी यही कार्य करता है, कहता है कि रंज धातु के नकार का लोप होता है शप विकरण परे होने पर। समझ में आया सभी को? धीरज जैन महोदय ये बताइए कि रंज में जब कह रहे कि नकार का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा? रज। रज। ठीक है। अब रज शप विकरण लगा दिए तो रज, और तेल ती लगा दिए तो रजती। समझ में आया? अब अगले, सबको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, केवल मात्र शप विकरण परे होने पर इन दोनों सूत्रों के द्वारा चार धातुए के नकार का लोप करना है, केवल मात्र शप विकरण परे होने पर। अब चलते हैं ओतः शनि। तो देखिए ओतः शनि, अब देखिए सर महोदय आप सभी लोगों से अब मैं बताऊंगा और आपको खुद समझना है। शनि में सप्तमी विभक्ति है, शनि में क्या है? सप्तमी विभक्ति। तो अब इसका अर्थ क्या है? शन के बाद, शन परे होने पर, मतलब शन बाद में होने पर। देखिए सर महोदय, अगर हम कहेंगे शन के बाद तो शन पूर्व में होना चाहिए, उसके बाद को होगा, और ये कहेंगे शन बाद में होने पर तो शन अंतिम बाद में होना चाहिए। समझ में आया सर महोदय? जी। तो कहता है, एक सूत्र कहता है कि ओकार का लोप होता है शन परे होने पर। क्या कहता है? ओकार का लोप होता है शन परे होने पर। अब ओकार तो सभी को पता होगा, ओ सबको पता है ना, तो कह रहा है कि शन परे होने पर, तो शन परे में कब होगा महोदय बताइए? धीरज महोदय, शन परे कब में होगा? सप्तमी विभक्ति में। नहीं नहीं नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है, जब दिवादिगण की धातुएं होंगी तभी तो उनसे शन विकरण लगेगा। दिवादिभ्यः शन, दिवादिगण की धातुएं होंगी तभी शन लगेगा, और यदि शन विकरण लग रहा है इसका मतलब क्या है? ये धातु किसकी है? दिवादी गण की है। अब देखिए जैसे शो, शो शो छो और दो, ये चार धातुएं हैं। आप के लिए होमवर्क ये देख लीजिए, होमवर्क क्या, एक निर्देश सा है कि आप जब क्लास खत्म होने के बाद आप दिवादी गण की धातुओं को देखिएगा। दिवादी गण की धातुओं में सिर्फ चार धातु ही है ऐसी जिनके अंतिम में ओ आएगा,
जिनके अंतिम में ओ आएगा, ओ आएगा। कौन कौन सी धातु है? शो शो छो तो, तो। इन चार धातुओं के नकार, इन चार धातुओं के ओकार का लोप हो जाएगा, कब होगा? शन परे होने पर, ठीक है। अब केवल इस सूत्र का अर्थ क्या है? ये केवल सूत्र ये कहता है कि ओकार का लोप होगा शन परे होने पर इसने इसने ये बताया कि किस ओकार का लोप होगा? बताया क्या कि दिवादी गण के या भवादी गण के ओकार का लोप होगा? नहीं बताया, नहीं। पर इसने एक चीज और बता दी साथ में कि शन परे होने पर होगा। शन पर, अब शन पर में कब होगा? जब दिवादी गण की धातु होगी, दिवादी गण होगा, है ना मोदे? बिल्कुल। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि दिवादीगण की धातु होगी तो शन विकरण लगेगा, और शन विकरण लगा है इसका मतलब कि ये धातु किस गण की होगी? दिवादीगण की ही होनी चाहिए, धातु होनी चाहिए। अब देखिए, तो जब शो में हमने शो, अब शो में ओ की संज्ञा कर दी तो क्या बचेगा? केवल मात्र श, और वो भी हलंत। हलंत, ठीक है। अब देखिए, शन जो आपका विकरण है, शन विकरण, शन विकरण में हम एक बार इत संज्ञा करते हैं। किसी को कोई एक बार इत संज्ञा कर सकता है इसकी, शन विकरण की? क्या बचेगा? बचेगा। हाँ जी, या बचेगा। देखिए निकुंज महोदय, जो शन है, शन में जो शा है, इसकी इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार गलती करने के बाद बार बार, अब आपको समझ में आएगा कि यदि तालव्य शकार किसी भी प्रत्यय के आदि में है तो उसकी लशक व तदित्य इस सूत्र के द्वारा इत संज्ञा करनी है। अब आपने इत संज्ञा कर दी ना की हलंत्यम से और तालव्य शा की इससे कर दी लशक व तदित्य, क्या बचा? या। अब देखिए तीनों को जोड़िए, शाम शो में बचा शा, शैन में बचा या, और ती, तो शा या शति, क्या बन गया? शति बन गया, ठीक है। सर यह हलंत क्यों हो गया सर? देखिए मैं बताता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, देखिए धातु थी हमारी शो, ठीक है, और उससे हमने लगाया शन विकरण, और बाद में कौन सा प्रत्यय लगाया है? अभी हम केवल लट लगा के प्रथम पुरुष के एक वचन के बाद के समझेंगे, ठीक है। अभी कोई भी व्यक्ति ये मत सोचे कि एक लट लगा का प्रथम पुरुष का एक वचन बना लिया तो लट लगा के प्रथम पुरुष के द्विवचन बनाने चला जाएगा, ठीक है। अभी केवल आपको इतना समझना है कि उस वो सूत्र जो धात्वादेश है वो क्या धात आदेश कर रहा है। अभी एकदम से प्रक्रिया मत बनाने लग जाइएगा। ती प्रत्यय लगाया हमने, तो ये ती प्रत्यय हमारा लट लकार का है, ठीक है, लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का है। अब ये देखिए, ये धातु हमारी है दिवादी गण की, शो धातु किस गण की है हमारी? दिवादी गण। अब हम पाणिनि जी ने कहा था कि यदि धातु आपकी दिवादी गण की होगी तो दिवादिभ्यः शन, शन इस सूत्र के द्वारा दिवादी गण की धातुओं से आपको शन विकरण करना है। तो आपने दिवादी गण की धातु से शन विकरण किया। अब शन विकरण होगा कहां? तो धातु और प्रत्यय के बीच में होगा, तो बीच में आके बैठ गया शन विकरण आपका। अब शन में इत संज्ञा करनी है, तो ना की किसने करी? ना की हलंत्यम ने, ठीक है, और तालव्य शा की लशक्व तद्धिते। तो केवल क्या बचा आपका? या बचा, ठीक है। अब ये जो या है, ये किसका या है? शन का या है ना जी। तो शन विकरण परे होने पर उकार का लोप होता है,
अब ओकार का लोप होगा तो शो में ओ की इत्संज्ञा ओ का लोप कर देंगे, इत्संज्ञा नहीं लोप कर देंगे, लोप करना, तो क्या बचेगा हलंती बचेगा ना सबका। ओकार हमारा क्या है, स्वर है ओकार जी, और यदि स्वर का लोप हो जाएगा तो हलंत हो जाएगा फिर जी। अब मिला देंगे तीनों को तो देखिए श और या मिलके क्या बन गया, श्य, और प्रत्यय मिला दिया तो अब देखिए धातु और विकरण को मिलाकर क्या बनाया हमारा अंग, अंग बन गया। हाँ। अंग तो है पर क्या अंग बना है, श्य अंग, ठीक है। अब जब हम इससे प्रत्यय मिला देंगे तो क्या बनेगा, क्षति, क्षति, समझ में आया सर जी। ऐसे ही देखिए शो में बनेगा, शो है धातु मिली शो, अब शो में देखिए धातु के आदि वर्ण कौन सा है, मूर्धन्य शकार, तो धातु के आदि में यदि मूर्धन्य शकार होगा तो कौन सा सूत्र लगेगा, धात्वादे शह, तो मूर्धन्य शकार को क्या बना देगा, दंत शकार। अब दंत शकार बना दिया और ओकार का लोप कर देंगे क्योंकि बाद में शन विकरण पर में है, तो दंत स और शन में बचेगा या और ती, तो क्या बन जाएगा, स्यति, स्यति, समझ में आया, ठीक है सर जी जी। ऐसे ही छो धातु देखिए छो, अब छो में इत्संज्ञा करने बाद मतलब लोप करने बाद क्या बचेगा, ओकार का लोप हो जाएगा छ, तो छ या ती, ती। तो क्या बनेगा, क्षति, 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 क्षति नहीं बने, इस नहीं बनेगा, क्षति, छ हमारा हलंत है, ओकार का लोप हो जाने के बाद छ कैसे बचेगा, हमारा हलंत बचेगा। अब दो में क्या बचेगा, दो में द बचेगा, तो द हलंत होगा या, हाँ द हलंत रहेगा, तो द या ती, तो क्या बनेगा, द्यति, द्यति, समझ में सर महोदय, हाँ समझे। अब चलते हैं अगले सूत्र पे, तो कह रहा है शमाम अष्टानाम, तो कह रहा है कि शम जिसके आदि में हो ऐसी आठ धातुओं को, क्या है इसका अर्थ, मैंने बताया था किसी भी चीज का यदि शम किसी के भी पद के बाद में आदि लिखा हो, किसी भी पद के आद में आदि लिखा हो या किसी भी नाम के बाद में आदि लिखा हो तो आपको क्या समझना है, शम है जिसके आदि में, तो शमादि का मतलब समझना, क्या समझना है आपको, शम है जिसके आदि में, भूआदि का मतलब क्या समझना है, भू है जिसके आदि में, दिवादि का मतलब दिव है जिसके आदि में। तो ऐसे इन गणों का नाम प्रथम धातु के स्थान से रखा जाता है, जो भी प्रथम धातु होती है उससे नाम रखा जाता है, मतलब जिस उस गण का जो प्रथम होगा उसका नाम ले लिया जाएगा और उसके बाद में उस पूरे समूह को बताने के लिए आदि शब्द जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे बोलते ना कि कल कौन घर कौन कौन आए थे, तो कहते हैं कि चाचा इत्यादि लोग आए थे, तो चाचा बोल दिया, अब इत्यादि बोल दिया मतलब चाचा आए थे और उनके इत्यादि मतलब चाचा जिस घर के बुजुर्ग हैं जो प्रथम व्यक्ति हैं वो आए थे और उनके परिवार के लोग जो छोटे मोटे लोग थे वो आए थे साथ में। और जब हमें एक कुछ ज्यादा ही बताना पड़ता है कि करेक्ट बताओ कौन कौन आए थे करेक्ट, तो हम सबका नाम लेते हैं, पर यदि सामान्यता समझना है तो क्या समझना है, ये समझना है। ऐसे कह रहे हैं शम है जिसके आदि में ऐसी आठ धातुओं को दीर्घ होता है, दीर्घ मतलब बड़ा होता है, आप लोग जो हिंदी भाषा में समझे जाएं कि जैसे बोलते हैं छोटा आ बड़ा आ, तो यदि छोटे आ को बड़ा आ हो जाएगा, छोटी ई को बड़ी ई हो जाएगा, तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो अब देखिए शम धातु है आपकी और कब होता है, इसमें भी देखिए ये कह रहा है शमाम अष्टानाम, शमादि आठ धातुओं को, षष्ठी विभक्ति इसमें, तो समाधि आठ धातुओं को क्या होता है, दीर्घ दीर्घ होता है। शनि, शनि में मतलब कौन सी व्यक्ति है, उन्हें कौन जो मत है, सप्तमी, तो क्या अर्थ होगा, शन जिसके बाद में होगा, शन बाद में होने पर, इतना बोलिए केवल, शन विकर्ण, या तो बोलिए शन विकर्ण परे होने पर या शन विकर्ण बाद में होने पर, ठीक है, क्योंकि आप अभी से बोलना प्रारंभ करेंगे ना तो जब आप सही बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, आपके सही बोलने की वजह से आपको समझ में भी आने लगेगा, ठीक है।
तो शन विकरण बाद में होने पर या शन विकरण परे होने पर? परे होने। अब देखिए शन विकरण पर में होगा तो ये आठ धातुओं को बताएंगे, उन आठ धातुओं को क्या करना है हमें, केवल मात्र दीर्घ करना है। अब ये बताइए, अब प्रश्न उठता है कि दीर्घ किसको होता है, कोई बता सकता है? अच को बोलिए या केवल मात्र स्वर को बोलिए, ठीक है? केवल अच या स्वर को होता है, अच ही स्वर है, स्वर ही अच है, ठीक है? तो स्वरों को दीर्घ होता है, तो कह रहे कि दीर्घ करना है तो किसको करोगे, तो स्वरों को करोगे। तो कह रहे कि समाधि आठ धातुओं में जो भी स्वर होगा उसको आपको क्या करना है, दीर्घ करना है। तो देखिए शम है, शम में क्या है स्वर आपका, तो क्या बनेगा, शाम, ठीक है? शाम, शन का बच्चा य, शाम्य, शाम य और ती, तो क्या बन जाएगा आपका, शाम्यति, ठीक है? अब इस शाम्यति को देखिए, इस शाम्यति में जो अंतिम वाला है ती, वो क्या है आपका, प्रत्यय। जो य है, यह क्या है आपका, विकरण। और धातु क्या है, शम थी, उसको दीर्घ हो गया, किससे हो गया दीर्घ, तो शमाम अष्टानाम दीर्घ शनि सूत्र के द्वारा उसको दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया आपका, शाम्यति। ऐसे ही तम को क्या हो जाएगा, ताम। महोदय धातु में क्या एक ही अच रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं है, तो फिर कौन से अच का करना है दीर्घ, ये कैसे समझोगे? देखिए मैं आपको, आपका प्रश्न है तो मैं आप सबको बताता हूँ, ये अगर सब लोग समझ सके तो बताता हूं, ठीक है? केवल मात्र पूरी धातु पाठ में आपको केवल मात्र सारी धातुएं एक अच वाली ही मिलेंगी, मतलब उस धातु सभी धातुओं में एक अच ही बचेगा, केवल आठ धातुओं को छोड़ करके, ठीक है? अच्छा, अच्छा, कि आठ धातु ऐसी हैं, उनको छोड़ना है और उसके अलावा सारी धातुओं में इत संज्ञा करने के बाद केवल एक ही अच बचता है। ये जो इत संज्ञा, इसकी, इसको मैं एक दिन किस, हो सकेगा टाइम बचेगा, आज या कल जब भी बचेगा तो, मतलब मैं आपको जब सब लोग को जरूर समझाऊंगा, ठीक है? धन्यवाद। पर लेकिन अभी केवल इतना समझिए कि जो समाधि आठ धातुएं हैं, इन सब में एक ही अच रहेगा। जो आठ धातु मैंने आपको बताई है ना, कि पूरे धातु 1930 में केवल आठ धातु ही ऐसी आती है जिनमें दो अच होते हैं। अच्छा। तो वो जो आठ धातुएं हैं वो इन आठ धातुओं के अंतर्गत नहीं आती हैं, ठीक है? ठीक है। तो शम देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, आपके हाथ में समझ आएगा। तो शम, तम, दम, क्लम, श्रम, ठीक है? अभी आगे दिखाऊंगा आपको, अभी इतना देख लिया आपने, इन पांच धातुओं को देखिए, उसके बाद अगला पेज करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब शम को क्या बनेगा, शाम, तम को ताम, दम को दाम, दाम, क्लम को क्लाम, क्लाम, और श्रम को श्राम, श्राम। अब कुछ लोग देखिए अलग अलग करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि तो विकरण और प्रत्यय को मिला देते हैं, तो विकरण क्या है हमारा, शन में बचेगा य, और प्रत्यय क्या है, ती, दोनों को मिला देते तो क्या बन जाएगा, यति, क्या बन जाएगा, यति, यति। अब यति बन गया, तो आपको कहना है शम को क्या कर दिया आपने, शाम, तो शाम यति, तम को ताम, ताम यति, दम को दाम यति, क्लम को क्लाम यति, श्रम को श्राम यति। कोई दिक्कत आ रही क्या? इतना भी आपको इतना समझना है, आपको केवल ये समझना है कि धातु विकरण, ये जो विकरण आ रहे हैं ना विकरण पर में, इनके परे रहने पर आपको क्या करना है, इन आठ धातुओं को बताऊंगा, पांच धातु आपको बता दी, तो आठ धातुओं को आपको क्या करना है, केवल मात्र दीर्घ करना है। अब चलते हैं सर, यह हल्यंतम नहीं लगेगा जी धातु में, हल्यंतम कौन सी धातु, ये जो धातु आपको दिख रही है ना सारी, हाँ जी, ये सारी धातुएं आपको इत संज्ञा करने के बाद दी गई हैं। अच्छा, ठीक है, समझ, ये सारी धातु आपको इत संज्ञा करने के बाद दी गई हैं, क्योंकि अगर देखिए पुस्तक के अंदर अब हम इत संज्ञा भी करेंगे फिर सब कुछ करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है ना? इसलिए पढ़ने वाले व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि ये जो है ये धातु हलंत, ये हल, मतलब क्या कहते हैं, हमारी वैस इत संज्ञा करने के बाद दी गई है, ठीक है? ठीक, ठीक, देखिए
अब दिख रहा है सर महोदय? हाँ महोदय। तो पांच धातु पहले की थी और अभी आ गई तीन धातु और, तो क्या हो गया? भ्रम को क्या हो जाएगा? भ्राम। क्षम को क्षाम और मद को माद। इनमें यति जोड़ दीजिए, या शन का यह और लट लगा के प्रथम पुरुष के एक वचन का ती, तो भ्राम यह ती भ्राम्यति, क्षाम यह ती क्षाम्यति। अब मद को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, तो मद को क्या हो जाएगा दीर्घ होने के बाद? माद, माद्यति, माद्यति, माद्यति। समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है ना महोदय सबको? हाँ हाँ सर, इसमें संधि भी साथ साथ ही होती जा रही है। संधि, संधि अभी कुछ हो ही नहीं थी सर। संधि मतलब केवल मात्र, ये संधि आपकी बात सही है, अगर मैं सामान्य आपको पढ़ाऊं तो मैं केवल आपको ये ती प्रत्यय नहीं लगवाऊंगा, केवल जब कोई कार्य संधि मतलब वहां उसे कहते हैं कि जब जोड़ते समय आपको कोई कार्य करना पड़े ना, संधि कार्य कहते हैं उसे, ठीक है? और जहां संधि करते समय कोई कार्य ना हो वहां तो आपको केवल आपको सीधा जोड़ देना है। हम आगे चलकर जब संधि करने में कोई कार्य होता है हम उस कार्य को सीखेंगे आगे। अभी यदि सामान्य संधि करने पर कोई कार्य नहीं हो रहा है तो सीधा आपको जोड़ देना है, ठीक है? अब आगे चलते हैं तीन धातुओं के लिए। अब देखिए निकुंज महोदय, आपका प्रश्न है कि इस सूत्र के अंदर लिखा है स्थिवु क्लमु चमाम शिति, तो शिति है, शिति मतलब कोई बता सकता है? एक संयोग जिसका सप्तमी, सप्तमी सप्तमी है। हाँ सप्तमी है, सप्तमी के बाद, शिति के बाद, सिद्ध शिति के बाद नहीं, अभी आपको बताया, तो सिद्ध बाद में होने पर, सिद्ध परे होने पर। बहुत अच्छे भारत बागवड़ी महोदय, तो सिद्ध परे होने पर, तो ये कहता है कि स्थिवु मतलब स्थिव धातु, स्थिवु क्लमु और चमाम, ये इन तीन धातुएं हैं, उनको क्या होता है? इनको भी दीर्घ होता है, पर कब होता है? ये नहीं कहते कि शन विकर्ण परे होने पर, ये कह रहे हैं शित प्रत्यय परे होने पर, अर्थात शित विकर्ण परे होने पर, मतलब कि तालव्य शकार की इत संज्ञा हुई हो, ऐसा कोई भी प्रत्यय बाद में हो तो क्या हो जाएगा? इन तीन धातुओं को दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए स्थिव को दीर्घ होगा तो मौदे क्या बनेगा? स्थिव को दीर्घ होके ठीक है, और क्लम को क्लाम, और आचम को आई रहेगा, आचाम, आचाम, आचाम। नहीं नहीं ये जो आ तो उपसर्ग है, चाम हो जाएगा, चाम होगा, ये जो चम है ना, चम, ये धातु है, ये तो आप इस धातु का प्रयोग उपसर्ग आ उपसर्ग लग के होता है, ठीक है? तो चम को क्या हो जाएगा दीर्घ होके? चाम, चाम, ठीक है। अब स्थिव, अब देखिए ये शप विकरण है हमारा, क्या है? शप। पर इस सूत्र ने ये तो नहीं कहा कि शप परे होने पर या शन परे होने पर, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने कहा कि कोई भी प्रत्यय हो पर उसमें तालव्य शकार की इत संज्ञा होनी चाहिए, अर्थात वह प्रत्यय आपका शित प्रत्यय हो। शित मतलब कि तालव्य शकार की इत संज्ञा हुई हो। तो ये जो शप विकरण है आपका, इसमें बसता है बाकी इत संज्ञा हलंत्यम से, और तालव्य शकार की इत संज्ञा किससे होगी? लशक्व तद्धिते, सूत्र के द्वारा हो जाएगी। तो क्या बचेगा? केवल मात्र अ बचेगा। तो तालव्य शकार की इत संज्ञा हुई है लशक्व तद्धिते से, इस कारण ये कैसा प्रत्यय है हमारा? शित प्रत्यय। तो शित प्रत्यय पर में है तो स्थिव धातु को दीर्घ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? स्थिव, ठीक है। शप प्रत्यय पर में है मतलब शित प्रत्यय पर में है तो क्लम को क्या हो जाएगा? क्लाम, और आचम को क्या हो जाएगा? आचाम, ठीक है। अब वही केवल मात्र शप में तीनों, इन तीनों में आ बचेगा, और स्थिव व में आ मिला दीजिए स्थिव, और ती मिला दीजिए क्या बन गया? स्थिवती। ऐसे क्लाम का क्लामती और आचाम का आचामती, ठीक है। महोदय इसमें केवल शप प्रत्यय ही लगेगा, ऐसा कैसे पता चलेगा? शेन भी हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इन्होंने शप लगाया है, इसका मतलब कि ये भवादिगण की धातु होगी। हाँ।
मेरा यही प्रश्न था कि ये गण कैसे, गण का निर्णय कैसे होता है महोदय जी? आपको याद करना पड़ेगा सारा। अच्छा, इसका कोई हाँ, इसका कोई ये नहीं है कि हम देख के पता चल जाए कि ये किस गण की धातु है? नहीं, देख के पता लग जाएगा। बिना प्रत्यय के, बिना प्रत्यय के नहीं। जैसे देखिए, आपका प्रश्न, आपने ये कह रहे हैं कि हमें कोई धातु हम बोल रहे हैं और वो हमें पता लग जाए किस गण की, ये पता करना है, ठीक है? हाँ, तो आपको क्या, या तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये मतलब सारी धातु जब आपको याद हो जाएंगी तो पता लग जाएगी ये धातु भवादि गण की है, किस गण की है। या फिर आपको कोई भी धातु का आप निर्माण करना चाहेंगे तो उस धातु को पहले आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपकी इच्छा हो कि मैं स्थिवु धातु को करूं, अब आपको किताब में देखना पड़ेगा कि स्थिवु धातु किस गण की है, ठीक है? तो आपने देखा कि स्थिवु धातु किस गण की है, तो आपको भवादि गण की मिलेगी। अब भवादि गण की है तो इसलिए मिलेगा कर्तरी शप। इस सूत्र के द्वारा कौन सा विकरण हो जाएगा? इससे शप विकरण हो जाएगा। मेरा जो मूल प्रश्न था उसका जवाब ये हुआ कि ये याद ही रखना पड़ेगा, नहीं तो धातु देख के नहीं पता चल सकता है कि ये किस गण की धातु है। नहीं नहीं, धातु देख के पता ही नहीं चल सकता किसी को भी। जी धन्यवाद। ठीक है महोदय। हाँ महोदय, ये जो क्लम क्लम जो धातु है उसके पीछे शप और शयन दोनों ही प्रत्यय लगते हैं, विकरण प्रत्यय। ये जो प्रक्रिया है ना, ये आप क्लम आपके पीछे दोनों लगते हैं, ये आपको बताया जाएगा, ठीक है? नहीं, जैसे ऊपर वाले सूत्र में क्लम के साथ साथ शयन लगा है, क्लम के साथ शयन लगा है, और इस वाले इसमें शप प्रत्यय लगा है, तो वहाँ क्लम धातु है ना, इसके बारे में आपको बताता हूँ अभी कक्षा खत्म होने पर। इस धातु से दोनों विकरण लगेंगे, ठीक है? नहीं, कोई धातु अलग अलग गण में भी हो सकते हैं। हाँ जी, इसीलिए वो अलग अलग विकरण प्रत्यय लगे हैं। जी मैं भी बताता हूँ, आप अभी क्लास चलते हैं, चलने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? ठीक है। अब देखिए, अब सूत्र आया आपका क्रमः परस्मै पदेषु। सूत्र क्या है आपका? क्रमः परस्मै पदेषु। तो इसने बोल दिया परस्मै पदे में, परस्मै पदेषु मतलब परस्मै पद में, ठीक है? तो केवल आप यह जो सूत्र जो भी कार्य करेगा वो केवल किस में करेगा? परस्मै पद में करेगा, आत्मने पद में नहीं करेगा, ठीक है? तो देखिए, कह रहा है ये सूत्र, कह रहा है आके क्रम धातु को दीर्घ होता है परस्मै पद संज्ञक शित प्रत्यय परे होने पर, ठीक है? ये सूत्र हल्का सा टेढ़ा है, पर केवल मात्र इसको अभी आप, इसको मतलब टेढ़ा नहीं है, खैर समझने वाले के लिए कुछ टेढ़ा नहीं है और ना समझने वाले के लिए सब कुछ टेढ़ा है। देखिए, आपको मैं लिख के दिखाता हूं। क्रम धातु है आपकी, ठीक है? अब उससे पहले क्रम धातु से कौन सा विकरण क्या लगेगा? आप कोई प्रत्यय लगाना है, ठीक है? लट लगा लगाना है, मैं लट लगा, तो हमें हमारी इच्छा है कि क्रम धातु से हम लट लगार का प्रयोग करेंगे। अब हमने सोचा कि क्रम धातु से हम लट लगार का प्रयोग तो करेंगे, ठीक है? तो लट लगार पर में है, तो अब क्या हो जाएगा? दोनों धातु, ये क्रम धातु किस गण की है, तो हम भवादि गण की होने कारण हम इससे क्या कर देंगे? शब्द विकरण कर देंगे। इस धातु के दोनों उसमें बनते हैं रूप, इसमें भी शन भी लगेगा इसमें, ठीक है? तो अब देखिए, अब धातु क्या होगी? क्रम विकरण लग गया शप, और कौन से लकार में प्रयोग करेंगे आप? लट लकार में प्रयोग करेंगे, ठीक है? ती, हाँ, अभी तीन ही लगाएंगे। अब हमने क्रम धातु को, क्रम धातु है इसको हम दीर्घ करेंगे, ठीक है? दीर्घ करेंगे, कब करेंगे? शित प्रत्यय पर में है, तो शित प्रत्यय पर में क्या जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। पर शित प्रत्यय पर में है वो ठीक है, पर शित प्रत्यय लगाने के बाद आपको केवल परस्मै पद में ही उस धातु का प्रयोग करना है, समझ में आया? जैसे कि आप, जैसे लट लकार है, कर्तरी शब्द, तो क्या हुआ? लट लकार के स्थान पर ती हो गया, ठीक है? अब क्रम धातु शब्द के स्थान पे क्या हो गया? अ,
अब देखिए ये आ कैसा है आपका प्रत्यय है, शित प्रत्यय है आपका। क्रम धातु से यदि आप शित प्रत्यय लगाने के बाद, क्रम धातु को दीर्घ हो जाएगा यदि आप शित प्रत्यय लगा रहे हैं और उस शित प्रत्यय के बाद में आप उस धातु उसका प्रयोग परस्मै पद में कर रहे हैं तो। कुछ समझ में आया महोदय किसी को? हाँ महोदय। जैसे देखिए क्रम धातु है, अब क्रम धातु से मैंने विकरण लगाया तो क्या बन गया, विकरण लगाने विकरण हमने मैंने जोड़ दिया ठीक है, और क्रम धातु को क्या कर दिया, दीर्घ कर दिया तो क्राम बन गया ठीक है। अब हमने जो क्रम को क्राम करा है तो इसके बाद हमको परस्मै पद में ही प्रयोग करना पड़ेगा ठीक है। यदि हम आत्मने पद में प्रयोग करेंगे तो क्रम को क्राम नहीं होगा ठीक है। जैसे देखिए अब आगे नीचे क्रम धातु है आपकी, और क्रम धातु के बाद में आपने क्रम धातु में आपने वो लगा दिया शन, शनि शाही लगाई, अभी शपी लगाइए शप, और बाद में कौन सा प्रत्यय है आपका ते ठीक है। अब ये बताइए ये ते प्रत्यय है आपका कैसा प्रत्यय है? आत्मनेपद, आत्मनेपद ठीक है। तो आत्मनेपद तो अब देखिए क्रम धातु है और वो भी क्रम धातु है, दोनों में अंतर समझिएगा भी ठीक है। ये भी क्रम धातु है आपकी, इसमें भी शप है और इसमें भी आपका क्या है, इसमें भी शप है, उसमें ती है इसमें ते है ठीक है। और ये ती किसका है आपका, परस्मै पद का है ठीक है, और ये ते है जो आपका ये किसका है, आत्मनिपद, आत्मनिपद का है ठीक है। जब आप शित इन्होंने बोला शित परस्मै पद, शित परस्मै पद शित बोला है, मतलब आप शित प्रत्यय हो और उस शित प्रत्यय के बाद उसका प्रयोग आप किस में करना चाह रहे हो, परस्मै पद में करना चाह रहे हो, तभी क्रम को क्या होगा, क्राम होगा। और यदि आप क्रम धातु से शित प्रत्यय लगाने के बाद में आप उसका आत्मनेपद में प्रयोग करना चाह रहे हो तो क्रम को क्राम नहीं होगा। तो यहाँ क्या बनेगा, क्रम को दीर्घ हो जाएगा क्राम ठीक है, और अंत में जाके बनेगा आपका क्रामति ठीक है। और इसमें देखिए इसमें क्या बनेगा आपका, क्रमते, क्रमते, समझ में आया सबको? इसमें क्रम क्रमत वो क्रामते क्यों नहीं बना, क्योंकि इस धातु का ये जो सूत्र आता है दीर्घ करने के लिए पदे का है, कहता है कि परस्मै पदेषु, कहता है परस्मै पदेषु अर्थात केवल मात्र परस्मै पद में ही आप यदि परस्मै पद का प्रयोग करना चाह रहे हो तो ही आपको शित प्रत्यय परे होने पर क्रम धातु को दीर्घ होता है ठीक है। और यदि आप आत्मने पद का प्रयोग करना चाह रहे हो तो शित प्रत्यय परे होने पर भी क्रम धातु को दीर्घ नहीं होगा। अब आप एक बार उसमें देखेंगे सभी लोग जो दिया पुस्तक में, उसको आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए क्रम धातु को क्या होता है, दीर्घ होता है, कब होता है, परस्मै पद संज्ञक शित प्रत्यय परे होने पर। समझ में आया सभी को कि यह शित कैसा होना चाहिए, परस्मै पद, मतलब उसके बाद में परस्मै पद का प्रयोग आपका करना चाहिए। तो जब आप क्रम धातु से शन विकरण लगाएंगे तो क्या बनेगा, क्राम्यति, और क्रम धातु से आप शब्द विकरण लगाएंगे तो क्या बनेगा आपका, क्रामति ठीक है। अब आप सबका बहुत ही प्यारा सूत्र आ रहा है, आप लोग बहुत बार बोलते हो ठीक है, इस सूत्र को पढ़ने के बाद आप लोगों काफी लोगों को समझ में आएगा कि गम धातु तो आप जाने के लिए बोलते हो ठीक है, गम धातु जाने के अर्थ में प्रयोग होती है, और बनता क्या है, गच्छति, प्रयोग कर रहे हो आप गम और आप और बोल रहे हो गच्छति, ऐसा कैसे बन रहा है, गम की जगह गच्छति कैसे हो गया, तो इसको समझना है। पर एक बात याद रखिएगा, ये सूत्र बहुत टेढ़ा सूत्र है, क्योंकि इसको सूत्र को समझने के लिए आपको कुछ और भी सूत्र समझने पड़ेंगे, और वह सूत्र आपको अभी समझा देंगे ठीक है। अब देखिए सूत्र बोला है ये इशु गमी यमाम छ,
कह रहा है कि इन धातुओं, ये जो तीन धातुएं बताइए कौन कौन सी धातु बताइए निकुंज महोदय। हाँ, ईश गम और यम। ईश गम और यम। यम हाँ ठीक है। तो कह रहा है कि ईश गम और यम इन तीन धातुओं को के अंत के स्थान पर क्या होता है, छ होता है। ठीक है, तो देखिए ईश में, ईश धातु में अंतिम वर्ण कौन सा है, मूर्धन्य शकार। गम में अंतिम वर्ण कौन सा है, मकार। और यम में मकार। तो इन तीनों अंतिम वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका, छ। कौन कह रहा है, ईशु गमी, गमी यमाम छह। ठीक है, अब छह हो गया। अब देखिए मैं आपको केवल गहराई में न जाते हुए, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, आप केवल इतना समझिए अभी, केवल मात्र आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि मैं जो आपको बता रहा हूं वो आपको सरल हो पाए इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो आप उलझ जाएंगे, इसलिए आपको अभी नहीं बताऊंगा। केवल इतना मात्र समझिएगा कि छा पर में होगा तो उस छा से पूर्व में आधा च भी आ जाता है। क्या आ जाता है, आधा च। ठीक है, कुछ लोग आप लोगों में पढ़े होंगे वो इस सूत्र में आपको बता सकता हूं, पर उसमें दो सूत्र लगेंगे और वो दो सूत्र आपको समझ में अभी नहीं आएंगे क्योंकि आपको टाइम लगेगा उनको समझने के लिए। ठीक है, दो सूत्र संधि के सूत्र हैं, उनका उल्लेख कर देता हूं मैं एक बार। सूत्र है एक तो छे च, ठीक है, और दूसरा सूत्र है स्तोहो श्चुना श्चुहु। ये दो सूत्र हैं। बोलिए सर, हम लोग प्रश्न उत्तर बाद में लेंगे ना, आप पढ़ा लीजिए, बाद में प्रश्न उत्तर लेंगे 15 मिनट बाद। नहीं नहीं वो नहीं सर, अभी वो कर रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूँ कि इनमें दो जो सूत्र हैं वो दो सूत्र आपको समझ में अभी नहीं आएंगे, इसलिए केवल इतना मात्र समझिए कि छ से पूर्व में आपको जब इस धातु का प्रयोग करेंगे और इस धातु से मूर्धन्य श के स्थान पे आपने क्या कर दिया, इशु गमी यमाम छह। इस सूत्र के द्वारा आपने मूर्धन्य शकार के स्थान पर क्या कर दिया, छ कर दिया। ठीक है, अब जब आप छ कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, केवल इतना समझ लीजिए कि उस छ से पूर्व में आपको आधा च बिठा देना है। ठीक है, अभी केवल इतना समझ लीजिए कि इश धातु है और उसके बाद में इश धातु के बाद में कौन सा आपका विकरण आया, शप। ठीक है मनीष महोदय। हाँ जी महोदय, ये सबकी जगह पर जो स कैसे हो गया, सबकी जगह पर स कहाँ से हो गया, ऊपर में इस प्लस स। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये स ही लगा, ये आपकी तुदादिगण की धातु है। ठीक है, ये जो धातु है आपकी ये किस गण की है, तुदादिगण की, और यम भी तुदादी है। हाँ, ये इस धातु तुदादिगण में पठित है, तो तुदादिगण में पठित होने के कारण इस धातु से कौन सा विकरण लगेगा आपका, श विकरण, शप नहीं लगेगा, श। ठीक है, पर केवल बचे निंचे, निंचे और सब बताया ना आपने, है जी तुदादी में ना, तुदादी 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 आशा होगा। ठीक है, तो तुदादिगण की धातु से श विकरण लगेगा, तो शाम में केवल बचेगा अ। ठीक है, अच्छा यम भी जो तुदादी का है, एक मिनट देख मैं बताता हूँ आपको, ये यम भी तुदादी का है आपका। ठीक है, तो अब इस धातु को मूर्धन्य श के स्थान पे आपने क्या कर दिया, छ। ठीक है, अब केवल आपको मात्र इतना समझना है, उस छ से पूर्व में आपको आधा च बिठाना है केवल। ठीक है, और किसने बोला, तो अभी कह दीजिएगा मैंने बोला है अभी, तो इसलिए बिठा रहे हैं आप मेरे पे विश्वास करके। ठीक है, और ये जो मैं अपना विश्वास आपको कुछ दिनों बाद मैं बता दूंगा कि किस कारण मैंने ये आपको बतला कि आपको च बिठाना है, क्योंकि आपको अन्य सूत्र लगेंगे और अन्य सूत्र समझने में आपको टाइम लगेगा, तो आप ये जो पढ़ना चाह रहे हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे अभी। ठीक है,
अब इस धातु में इच्छ बन जाएगा और दूसरी धातु क्या थी आपकी? गम। तो गम में अंतिम म के स्थान पे क्या बिठा दिया हमने? छ। और उससे पूर्व में आपको क्या बिठाना है? आधा च। तो बन जाएगा आपका गच्छ। अब धातु आई, अगली आई यम धातु, म के स्थान पे आपने क्या कर दिया? छ। सूत्र के द्वारा किया आपने? इस सूत्र के द्वारा किया? इशु गमी यमाम छह। इशु गमी यमाम छह, छह कर दिया। अब उसी से पूर्व में आपको क्या बिठाना है? आपको आधा चा बिठाना है, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा आपका? यच्छ बन जाएगा, ठीक है? तो आपका जब इसका प्रयोग करेंगे तो आपका क्या प्रयोग में क्या होगा आपके? ये देखिए, इच्छति, गच्छति और यच्छति, ठीक है? अभी भी फिर से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं मैं कि ये छह से पूर्व में आपने च बिठाया है, इसका प्रश्न अभी मत करिएगा, क्योंकि इसका इसको समझाने के लिए दो सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी और वो ये सूत्र यहाँ पर समझाने में काफी समय व्यर्थ होगा। तो बस इतना समझिएगा कि छह से पूर्व में आपको च बिठाना है, ठीक है? अब चलते हैं अगले सूत्र पे। ये सूत्र बहुत बड़ा है। अभी मेरे पास समय है सर? हाँ, 15 मिनट है सर। जी सर, धन्यवाद सर। तो अब देखिए, 15 मिनट तो बहुत हो जाएगा। अब ये सूत्र आया, इस सूत्र को आपको क्या करना है कि इस सूत्र में पहले एक बार इस सूत्र का उच्चारण करते हैं। तो पाघ्राध्मास्थाम्ना दान दृश्यर्ति सर्ति शद सदाम पिव जिघ्र धम तिष्ठ मन यच्छ पश्यर्च्छ धौ शीयसी दाह। तो यह सूत्र है, ये कहता है कि पा आदि 11 धातुओं के स्थान पर, क्या कह रहा है? सबको समझ आ रहा है कि पा धातु है जिसके आदि में ऐसी 11 धातुओं को क्या करना है आपको? उसके स्थान पर पिव आदि 11 आदेश होते हैं। क्या होते हैं? पिव आदि 11 आदेश होते हैं। तो देखिए, जो पा धातु है इस पा के स्थान पर क्या हो जाएगा? पिव हो जाएगा। थोड़ा वैसे समझिए, एक बार मैं आपको, गलती हो गई, मैं चार्ट बनाना चाहिए था मुझे। देखिए, पा धातु है, पा पाग्रा, एक मिनट होल्ड करिएगा सभी लोग। पाग्रा धुमा, आप इसको लिख सकते हैं। आप लोगों को सबसे विनम्र निवेदन है कि जो मैं यहां से लिख रहा हूं पा धातु से, ठीक है, इस पाग्रा धातु से ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है? पा घ्रा धुमा, ठीक है? आगे चलते हैं। था ना ना दा दिश। सचिन शेरावत जी, आप अपना माइक ऑफ करिए। सचिन शेरावत जी, माइक ऑफ करिए अपना। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया सर, आगे। जी सर। अब शद और सद, दोनों में अंतर है ना, एक शद है एक सद है, ठीक है? तो यह सूत्र आगे कहता है कि ये पा आदि 11 धातुएं हैं। कितनी है आपकी? 11, ठीक है? मैं आपको एक बार, तो ये 11 धातुएं आपकी पा घ्रा धमा स्था मना
दा दृश री श्री शद और सद इन धातुओं को चेंज हो जाएगा, इन धातुओं में चेंजेस हो जाएंगे। अब क्या चेंज होंगे तो देखिए पा धातु को हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा पिब, पिब ठीक है, पा धातु को जाएगा आपका पिब, ग्राहक हो जाएगा आपका जिग्र जिग्र, समझ में आया आपको, ग्राहक को क्या हो जाएगा आपका जिग्र, धमाक हो जाएगा आपका धम, ठाक हो जाएगा आपका तिष्ठ, मनाक हो जाएगा आपका मन, दाको हो जाएगा आपका यच्छ, दृश्य को लिख रहे हैं ना आप सभी लोग, जी जी जी, दृश्य को हो जाएगा आपका पश्य, पश्य, री को हो जाएगा आपका रिच्छ, श्री को हो जाएगा आपका धाव, इसको के ऐसा करिए आप लोग इसे धाव ना लिख के केवल अभी लिखिए श्री को जाएगा धौ, ठीक है, श्री को क्या जाएगा धौ, और शद को जाएगा आपका शी, और सद को जाएगा आपका सीधा, समझ में आया आपको सभी को, लिख लिया आपने सबने कि पा धातु को क्या हो जाएगा, पा धातु को पिब होता है, ठीक है, ग्रा को जिग्र, धमा को धमस, था को तिष्ठ, ना को मन, दा को यच्छ, दृश को पश्य, री को रिच्छ, श्री को धौ और शद को शीय, सद को सीद, ठीक है। यदि आप सभी को इस सूत्र को समझना है तो आपको इसी क्रम से याद करना पड़ेगा कि पा को पिब, घ्रा को जिग्र, धमा को धमस, था को तिष्ठम, ना को मना, दा को यच्छ, दृश को पश्य, री को रिच्छ, श्री को धौ, सद को सीय, सद को सीद, इस क्रम से आपको याद करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और कुछ तो ऐसे हैं जो आप प्रयोग में करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पा धातु बोलते हैं पा पाने, ठीक है, पर आप क्या बोलते हैं पिबती, जलम पिबती बोले थे ना, पुष्पम जिघ्रती, आप प्रयोग करते हैं तो जिग्र धातु घ्रा धातु होती है शून्य अर्थ में, पर आप उसको क्या करते हैं घ्रा धातु को जिग्र बन जाता है, किसने किया, यदि कोई आपसे प्रश्न करेगा कि पा धातु को पिब कौन करता है, पिब आदेश कौन करता है, कि पहले तो पा धातु थी पर पा को पिब किसने किया, तो आपको क्या बोलना है, ये लंबा वाला सूत्र दिखा देना है आपको बोल देंगे सर पाणिनि ने जो बोला था, इतना लंबा सूत्र याद रखना पड़ेगा, हाँ जी, ये तो कुछ नहीं है, पाणिनि की किताब में बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सूत्र भी हैं, जिनको एक अभी नाम अभी दिखाऊंगा मैं आपको, बहुत बड़ा सूत्र है वो काफी, तो इसलिए तो कुछ बहुत छोटा सूत्र है ये तो, यदि आप अष्टाध्यायी याद करने चलेंगे तो वो सूत्र तो बहुत बड़े बड़े हैं अभी हल्के, ये तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, पा के स्थान पर पिब, घ्रा के स्थान पर जिग्र, ऐसे ये आदेश हो जाएंगे। पर अब प्रश्न उठता है कब होंगे, ठीक है, तो कहते हैं शित प्रत्यय परे होने पर, क्या कहते हैं शित प्रत्यय परे होने पर इसमें प्रश्न उठता है कि इसमें तो शित तो है ही नहीं, ये जो शित है आप इस शित कहां से आ रहा है, तो आपको कहना है कि पिछले सूत्र ष्ठिवु क्लमु चमाम शिति, ठीक है, तो ये है सातवें अध्याय के तीसरे पाद का 75वां सूत्र, इसकी अनुवृत्ति किसमें गई, सातवें अध्याय के तीसरे पाद के 76वें सूत्र में भी गई, तो अर्थ क्या बना, क्रम धातु को दीर्घ होता है परस्मै पद संज्ञक शित प्रत्यय परे होने पर इसमें शित लिखा है क्या इस सूत्र में, नहीं लिखा है, पिछले वाले शित प्रत्य की अनुवृत्ति चल रही है कि इसके बाद जो कार्य करे जाएंगे वो कब करे जाएंगे, शित प्रत्यय परे होने पर। फिर अगला सूत्र आया इशु गमी अमाम छा, इसमें तो केवल इतना बोला
कि इश, गम और यम इन धातुओं क्या होता है, छ होता है। पर इसने बताया कब होता है, नहीं बताया। तो पूर्व सूत्र जो था आपका स्थिवु क्लमु चमाम शिति, इस सूत्र से शिति पद की अनुवृत्ति आ रही है। अनुवृत्ति अर्थात कुछ ऐसे पद होते हैं जो बाद के सूत्रों में भी लग जाते हैं, काम तक आते हैं। तो ठीक है, कहां से आ गया से क्या समझे हम? शित प्रत्यय से आपको ये समझना है कि ऐसा कोई प्रत्यय हो जिसमें तालव्य शकार की इप संज्ञा हुई हो। ठीक है, अच्छा इसमें सब भी आ जाएगा, सब आ जाएंगे, शप आ जाएगा, शन आ जाएगा, श आ जाएगा, सनादि आ जाएगा, श्लू शन, हाँ कोई भी आ जाएगा, है जी, सना सनु भी आ जाएगा इसमें, हाँ जी सब आ जाएंगे, जो जिनमें तालव्य शकार की संज्ञा हो रही है वो आ जाएंगे सब। धन्यवाद युगल जी, पांच मिनट बाद आप प्रश्नोत्तर हम लोग लेंगे, पांच मिनट बाद। मनीष सर एक मिनट, इधर ही जरा एक मिनट रुकना। यम जो है, यम को श लगा के आप यच्छति कर रहे हैं, और दाग को शप लगा के भी यच्छति कर रहे हैं, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो आप एक मिनट रुकिए, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, आपको प्रश्न लिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब आपको सबको समझ में आया कि इन धातुओं का क्या हो जाएगा, इन धातुओं क्या होगा महोदय बताइए, इन धातुओं को चेंज हो जाएगा, शित प्रकरण शित प्रत्यय पर होने पर इनको चेंज होगा, क्या हो जाएगा, पिब आदि प्रत्यय हो जाएंगे, मतलब पा को पिब हो जाएगा, ऐसे आपको समझना है सब जगह। ठीक है, अब चलते हैं आगे सूत्र में। सूत्र क्या है, ज्या जनोर जा, क्या है सर, ज्या धातु को नाम ले रहा, ठीक है ना, ज्या धातु को और जन धातु को, इन दोनों धातुओं को क्या होता है, जा होता है। तो मतलब कि इन दोनों धातुओं के स्थान पर जा हो जाएगा, कब हो जाएगा, तो शित की अनुवृत्ति चल रही है, हाँ, शित प्रत्यय परे होने पर, शित प्रत्यय परे होने पर। ठीक है, समझ में आया आपको। अब देखिए, जब ज्या धातु थी, ठीक है, अब ज्या धातु से श्ना विकरण लगा है, ठीक है, अब ये बताइए कि ज्या धातु से जब आपने श्या विकरण लगाया, श्ना विकरण लगाया, तो ज्या धातु किस गण की है आपकी, क्रियादि गण की। सूत्र क्या है, विकरण लगाने वाला क्रियादिभ्यः श्ना, ठीक है, क्रियादि गण की धातुओं से कौन सा विकरण लगता है आपका, श्ना विकरण। अस्तु महोदय, समझ में आया आपको सभी को, हाँ। जी 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 महोदय, जो क्या क्रिया, जो ये धातु है ये हमारी, इससे कौन सा विकरण लगता है हमारा, ठीक है। अब और जो जन धातु है ये है हमारी दिवादि गण की, इसलिए इससे लगेगा शन विकरण, तो दिवादिभ्यः शन, तो दोनों में इत संज्ञा, इसमें या बचेगा और इसमें क्या बचेगा, ना बचेगा, तो जा और जन इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, जा, तो जा ना ती जा ना ती और जन को क्या हो जाएगा, जा जायते जायते। इस सूत्र को और व्याख्या करके समझाता हूं मैं आपको सभी को। देखिए सूत्र, धातु है आपकी ज्या, ठीक है, ज्या, और ये धातु है आपकी किस गण की है, आपकी श्ना, क्रियादि गण की, इसलिए कौन सा विकरण हो जाएगा इससे, श्ना, और हम और लगाएंगे, हम पहला ती लगाएंगे, ठीक है। अब सूत्र आया ज्या जन, और एक बार उसको भी लिख लेते हैं जन, ठीक है, ठीक है। अब देखिए सूत्र आया ज्या जनोर्जा, वो कहता है शित प्रत्यय पर होने पर, तो देखिए ये जो श्ना और शन है ये शित है कि नहीं है, है। संज्ञा करके शित कर देने कर देते हैं, ना बचेगा और इसमें क्या बचेगा, या ठीक है। अब ये शित है ना, इनमें तालव्य शकार की संज्ञा होगी, तो ये शित है। अब देखिए शित प्रत्यय पर होने पर ज्या धातु को क्या होता है, जा, जा, और जन धातु को भी क्या होता है,
जा, ठीक है। अब ये जो सॉरी ये परस्मै पद में चलेगी आत्मनेपद पद में, तो जा अब इनको जोड़ दीजिए, जानाति और इसमें क्या बनेगा आपका जायते, जायते, ठीक है, समझ में आपको। जो जायते बनता है वो कौन सी धातु होती है, जन धातु होती है, और उससे बन क्या जाता है आपका जायते, ठीक है। अब चल अब देखिए, अब सर प्रश्न कर लेते हैं एक बार। हाँ, जो बस नाम हस्वा है जी जी, देखिए या फिर मैं सोच रहा हूँ कि एक मिनट इस सूत्र को भी करवा देते हैं। वादी नाम हस्व, हाँ देखिए ये कुछ आप कुछ धातुएं हैं आपकी, इन धातुओं में आपको क्या करना है, इन धातुओं को ह्रस्व करना है। ह्रस्व मतलब कि ये धातु सारी की सारी दीर्घ हैं, दीर्घ हैं, इनको छोटा बनाना है, इन धातुओं को कब बनाना है आपको, तो वही शित परे होने पर। देखिए पू धातु है, पू धातु को आपको क्या करना है, पू धातु से आपने कौन सा विकरण लगाया, शना विकरण लगाया, ये कैसा विकरण है, शित विकरण है, तो दीर्घ पू था उसको ह्रस्व कर दिया तो क्या बनेगा, ह्रस्व पू हो जाएगा, ठीक है। धू को धू, री को री, व्ली को व्ली, स्त्री को स्त्री, लू को लू, ज्या को इसको अभी केवल इतना समझिए, ज्या को क्या होगा, जब ज्या को अब ह्रस्व करेंगे ना तो ज्या नहीं होगा, जी समझिएगा, ठीक है। इसमें विशेष कार्य होगा आगे चल के, इस धातु में विशेष कार्य होगा। ली को क्या हो जाएगा, ली, प्ली को क्या हो जाएगा, प्ली, क्री को क्या हो जाएगा, क्री, ठीक है। अस्तु महोदय जी, और भी धातु है, ये ब्री को क्या हो जाएगा, ब्री, प्री को प्री, भ्री को भ्री, द्री को द्री, ऐसे करके कुछ ये 22 या 24 धातु हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी, याद रखिएगा ये। आप ये मान लीजिए आपको होमवर्क में दे देता हूं अभी, ये आपको सबसे पहला होमवर्क तो आपका ये जो पा धातु है ना, पा पा घ्रा धमा, आप सभी का होमवर्क है ये, आप सभी को ये पा को क्या होगा, पा को पिब, घ्रा को जिग्र, ऐसे याद करना है, ठीक है। इनको कैसे याद करना है, इन धातुओं को ऐसे याद करना है, पू लू धू ज्या री ली ब्ली प्ली स्त्री क्री, ऐसे करके याद करना है आपको, ठीक है। जितनी भी धातुएं हैं इनको केवल आपको क्या करना है, केवल मात्र ह्रस्व करना है, और कब करना है, शित प्रत्यय होने पर, ठीक है। आपको कोई समझ में आ गया, अब एक बार धीरे धीरे करके आप सभी के प्रश्न लेंगे, हाँ पूछिए। हाँ मंजू जी, मंजू बाई जी, विमल पांडे जी, दोनों का हैंड रेज है। ये जो अभी ये बुक दिखा रहे हैं ये अष्टाध्यायी है क्या, माता जी की अष्टाध्यायी सहज बोध है, सहज बोध आप सभी को लेने के लिए बोला था ना, अभी ली नहीं है मेरे, फिर नाम गड़बड़ हो जाता, सहज बोध अष्टाध्यायी सहज बोध 6 पार्ट में मिलती है, 1-6 पार्ट है, ठीक है। विमल जी पूछिए। स्थिव क्लमु चमाम सिति, एक हाँ विमल जी पूछिए। स्थिव क्लमु चमाम सिति एक बार महोदय पुनः बता देंगे क्या। देखिए स्थिव ये धातु, स्थिव क्लम और चम ये तीन धातु हैं, ठीक है, इनको इन धातुओं को दीर्घ करने के लिए बोला है। इन धातु को दीर्घ करने का मतलब कि स्थिव धातु में जो ई है इसको दीर्घ कर देंगे तो ह्रस्व ई को क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा, छोटी ई को बड़ी ई हो जाएगा, आपकी भाषा में कहा जाए हिंदी भाषा में तो छोटी ई को बड़ी ई हो जाएगा। क्लम को, क्लम में जो छोटा आ है उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ आ, मतलब कि बड़ा आ हो जाएगा, और चम, चम में जो छोटा आ है उसको भी बड़ा आ हो जाएगा, कब होगा, शित प्रत्यय परे होने पर, मतलब कि कोई भी प्रत्यय हो आपका वो प्रत्यय आपका कैसा होना चाहिए, शित होना चाहिए, मतलब तालव्य शकार की उसमें इत संज्ञा होनी चाहिए, इत संज्ञा होनी चाहिए, समझ में आया आपको जी। जी जी महोदय। सचिन सहरावत जी, सचिन जी
हाँ सचिन जी अनम्यूट करके बोले प्लीज। ये महोदय एक बार ये सप और सित वाला भी बता दीजिए ना, इसका सूत्र सित कौन सा, किस चीज का? सप और सित, इसका कैसे होगा समझ में नहीं आया, उस समय आप बता रहे थे ना सप और सित। हाँ जी नमस्कार जी, कौन बोल रही है? जो पहले पूछ रहे थे देखिए शब्द विकरण आपको कौन शब्द विकरण इत्यादि ये जो इसका ज्ञान होगा आपको, ये आपको जब आपको मैंने पहले बताया था आपको विकरण याद करने पड़ेंगे ठीक है। जब भवादिगण की धातु होगी तो उससे कौन सा विकरण लगेगा? शप विकरण लगेगा ठीक है। दिवादिगण की धातु होगी तो उससे शन लगेगा ठीक है। कृपया आशा मुद्गिल जी को म्यूट करिए। अब जब आप ये जब ये सूत्र जब आप शप कहेंगे तो मतलब कि यह जो सूत्र है या केवल शब्द विकरण परे होने पर ही लगेगा, जब शब्द विकरण नहीं होगा उसके अलावा कोई भी प्रत्यय होगा तो यह सूत्र वहां नहीं लगेगा ठीक है। अब देखिए जब इस जब ये सूत्र कह दिया शित, तो शित में तो जिन जिन तालव्य शकार की संज्ञा होगी, जो जो विकरण ऐसे होंगे जिनमें तालव्य शकार की या प्रत्यय ऐसे होंगे जिनमें तालव्य शकार की संज्ञा होगी, उन सभी प्रत्ययों के परे होने पर यह सूत्र कार्य करेगा ठीक है। जैसे कि आपका था दंश संज संजाम शपी, यह सूत्र केवल मात्र शप विकरण परे होने पर ही कार्य करेगा। और जब इस सूत्र ने बोल दिया शिति बोला, इस सूत्र ने क्या बोला शिति, तो ये जो तीन धातुओं जो कार्य हो रहा है दीर्घ हो रहा है यह केवल शप परे होने पर ही नहीं होगा, शप में तालव्य शकार की इत संज्ञा है इसलिए क्या है शित प्रत्यय है। और जब इस धातु से आप आगे चल के आप आगे जब आप पढ़ेंगे तो आप क्षत्रि शानच ये सब प्रत्यय भी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? हाँ। तो शत जैसे मान लीजिए आपने क्षत्रि प्रत्यय लगाया, हाँ। धातु से आपने कौन सा प्रत्यय लगाया? क्षत्रि क्षत्रि ठीक है। तो क्षत्रि प्रत्यय लगाने पर भी आपका क्षत्रि जो है ये कैसा है, इसमें तालव्य शकार की संज्ञा हुई है, संज्ञा हुई सित है ना जी, सित है तो इस कारण से वहां पर भी दीर्घ हो जाएगा क्षत्रि शानच कानच, ओ ये क्षत्रि शानच शानस चानस शानन खश शेश श्रद्धेय, ये सब जब प्रत्यय लगाएंगे आप तो वहां पर शित होने के कारण ये सूत्र वहां भी लगेगा आपका। मेरी बैक वॉइस आ रही है, थोड़ा इको हो रहा था पीछे में भी यार। अब नेक्स्ट प्रश्न किसी का? हाँ महेश जी का, महेश जी पूछे। हाँ गुरुदेव प्रणाम। ये व्याख्यान के दौरान बार बार माता जी का चर्चा होती है तो मैं थोड़ा उनके विषय में जानना चाह रहा था। देखिए माता जी है, माता जी का नाम है पूरा डॉक्टर पुष्पा दीक्षित माता जी, हम लोग माता जी कहते हैं, उनका नाम पूरा है डॉक्टर पुष्पा दीक्षित है ठीक है। माता जी ने व्याकरण का अध्ययन करके लोगों को समझ में कैसे जल्दी से जल्दी आ सके इसलिए पुस्तकों को कुछ पुस्तकों का निर्माण किया, एक प्रक्रिया का निर्माण किया है ठीक है। उस प्रक्रिया के अनुसार आप जल्दी समझ सीख सकते हैं चीजों को ठीक है। ये माता जी माता पुष्पा दीक्षित जी बिलासपुर में रहती है जी, छत्तीसगढ़ में जी जी। माता जी का माता जी भी अपने आप पर बच्चों को निशुल्क रह के पढ़ाती हैं। उसके मैं जब मैं गया था जब वहां पर बच्चे ही नहीं सिर्फ कुछ परिवार भी आए थे, कोई डॉक्टर भी आए थे पढ़ने के लिए जी। और कुछ एक व्यक्ति ऐसे भी थे उनमें जिन्होंने सेना में भर्ती करी थी और वो रिटायर हो चुके थे, कम से कम उनकी उम्र थी 70 से 75 साल जी, और वो भी आकर उसका अध्ययन कर रहे थे जी। तो वहां पर काफी लोग आके अध्ययन करते हैं, माता जी की प्रक्रिया को समझते हैं संस्कृत का ज्ञान पाने के लिए ठीक है जी जी। तभी उनका दर्शन या इसी माध्यम से उनका प्रवचन मतलब व्याख्यान हल्का सा सही। आप उनका ऑडियो एक बार YouTube देख सकते हैं, शायद YouTube में भी होंगे, YouTube पे माता जी की वीडियो है काफी। अच्छा जी अच्छा अच्छा, एक बार नाम में फिर जाना चाहता हूँ गुरुदेव, पुष्पा डॉक्टर पुष्पा दीक्षित जी ठीक है गुरुदेव धन्यवाद।
आगे चले। हाँ सुधा तुम भी जी आपका प्रश्न। हाँ हाँ मनीष महोदय वो अभी बीच में पूछा था ना यम यच्छ ये यम यच्छति और दाई यच्छति ये दोनों यच्छति ही है तो कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है। इन दोनों धातुओं का अर्थ अलग अलग है ठीक है। जो यम धातु आपने ऊपर पढ़ी यम धातु जिससे आपने यच्छ बनाया था इशुगम यमाम छह सूत्र के द्वारा ठीक है तो उस धातु का अर्थ होता है समाप्त करना या उपसंहार। इस धातु का अर्थ है यम उपसरमे उपरमे ठीक है। इस धातु का अलग अर्थ है और जो आपने कहा दान धातु दान धातु है जो ठीक है ना दान दाने है वो दान दाने तो इस धातु का जब आप प्रयोग करोगे तो इसका मतलब होता है देने अर्थ में ठीक है। दोनों बनेंगे यच्छति ही पर दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। एक का समाप्त अर्ने में अर्थ होता है और एक का देने अर्थ में प्रयोग होता है। तो जो कहते हैं ना आप ददाती बदाती सब इन्हीं से बनेगा अभी धीरे धीरे करके दास ही आपका ददाती बनेगा। तो अभी एग्जाम में सपोज पूछते हैं यच्छति कैसे यच्छति का कैसे आया यच्छति तो फिर कैसे लिखेंगे हम। आप देखिए यच्छति किसी ने पूछा कि यच्छति कैसे बना ठीक है आप कुछ भी कह दीजिएगा दान दान धातु का भी बना दीजिएगा या फिर यम धातु से भी यच्छति बना दीजिएगा। अब यदि प्रश्न यदि परीक्षा वाला ये परीक्षा लेने वाला व्यक्ति समझदार होगा तो ये नहीं बोले वो दोनों सही कर देगा उसने पढ़ा होगा तो ठीक है धन्यवाद। यदि उसने ये नहीं पढ़ा होगा तो फिर वो गलत कर देगा और जब वैसे परीक्षा लेगा ना तो पढ़ा ही होगा। नहीं नहीं दोनों दोनों लिख लेंगे दोनों अभी इतना मन में बैठे दोनों लिख लेंगे। हाँ दोनों लिख लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद। युगल जी आप अपना प्रश्न पूछे। युगल जी नमो नमः। अंबुक्षा बैनर्जी जी मुनिष महोदय आपने आपने एक सूत्र बताया पादीनांग ह्रस्व पादीनांग ह्रस्व जी इसी सूत्र में आपने एक उदाहरण दिया जय स्नेह विकिरण के स्नेह विकिरण और ती प्रत्यय के बाद जीनाती हो गए जय धातु कैसे जीनाती हो गए ये मेरा प्रश्न है। सर आपका जो प्रश्न है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप सभी को बताया अभी कि जो ज धातु है इससे इसको आप अभी केवल मान लीजिए कि ज धातु को जी होगा ठीक है क्योंकि इसकी प्रक्रिया लंबी है ठीक है। आप पादीनांग ह्रस्व बोला था एवं ह्रस्व होना चाहिए जब जे जे जो अकरण तो है वो अकरण तो होना चाहिए वो जी। वो आपकी बात मैं समझ चुका हूँ आपका प्रश्न ये है कि ज धातु आकारांत है उसको जब ह्रस्व होगा तो अकारांत होना चाहिए यहाँ इकारांत कैसे हो गया है ठीक है। तो ये जो आपका प्रश्न है यह प्रश्न आपका बिल्कुल सही है पर इस प्रश्न का उत्तर आपको आगे चलकर आप जब पढ़ते जाएंगे ना तब आपका एक सूत्र आएगा उस सूत्र का नाम था ये मतलब मैं बताता हूँ आपको सूत्र का नाम उस सूत्र के गहिज्या गहिज्या वही व्यधिवष्टि विचति विचति पृच्छति पृच्छति नाम गीति च इस सूत्र के द्वारा वहां पर संप्रसारण हो जाता है। संप्रसारण होने के बाद ज्या को जी बनेगा ठीक है इसकी प्रक्रिया आगे की है ठीक है इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि ज्या को जी बनेगा। आप कभी इतना मान लीजिए केवल कि ज्या धातु को क्या होगा जी ठीक है। संचिता जी हाँ संचिता जी नमो नमः। हरिओम महोदय प्रश्न जुगल किशोर बदामी बदामी महोदय बदो तुम महोदय हाँ महोदय लास्ट टाइम में आपने जो है बताया था लंग लकार तो लंग लकार में जो आप पठत होता जो आ जो आता उसके विषय में कहीं जिक्र नहीं किया था आपने। सर अभी उसका सर लास्ट का क्वेश्चन मत करें अभी जो ये सेशन हुआ उसके बारे में करें तो बेटर रहेगा। सर देखिए आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि या तो इस कक्षा में जो पढ़ाया गया उसका प्रश्न पूछिए आप ना तो भविष्य का प्रश्न पूछिए ना अभी केवल भूतकाल का। जब आपको भूतकाल का प्रश्न पूछना होगा तो आपने जो आ है वो केवल बता देता हूँ लुंग लंग लिंग षडु दात्तः इस सूत्र के द्वारा आ आता है ठीक है। और अभी यहाँ पर केवल आ के बारे में बताऊं केवल आ ही नहीं आता है आ भी आता है कभी कभी
और उस आके आने के बाद भी कुछ कुछ कार्य होते हैं, तो वो अभी मैंने वो चीज जब मैं अभी नहीं पढ़ाई है तो इसका मतलब कि अभी वहां पर कुछ ना कुछ जरूर अवश्य कार्य होगा, अभी बताने का कोई कारण नहीं है, इसलिए नहीं बताता मैं। ठीक है संचिता जी, नमो नमः। अच्छा महोदय, इसमें जो जो था आपने सिद्ध प्रत्यय बताया, तो जितने भी गण हैं उसमें नौ गण में जो है सिद्ध प्रत्यय लगता है, यानी सिद्ध विकरण लगता है। हाँ जी, तो इसमें तो एक दिक्कत यह है कि कौन सी धातु किस गण की है, इससे सिद्ध नहीं होता कि मतलब जो है कि हमें मालूम नहीं पड़ता कि कौन सी धातु किस गण की है और यह फॉर्मूला किस लिए आपने लगाया, क्योंकि 2930 धातु में है। लेकिन जब आपने शुरू में जब पढ़ाया था जैसे सप इस्तेमाल किया था, तो उससे हमें मालूम पड़ रही थी कि ये भवादी गण की ही है। सर आपका जो प्रश्न है इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको गण याद करने पड़ेंगे। ये जो आपका ये आप ये जो सोच रहे हैं कि दंश संज संजाम शपी, इस सूत्र में जो शप आया है इसकी वजह से आपको इन तीन धातुओं का पता लग गया कि ये भवादी गण की है, ऐसा नहीं है। वो ठीक बात है आपकी, इन तीन धातु के द्वारा आपको पता लग रहा है कि ये भवादी गण की है, पर इस आप अन्य धातुओं में भी आप ऐसा नहीं समझ सकते। कहीं धातु पे कहा गया कि शित प्रत्यय बने होने पर, तो शित प्रत्यय का मतलब ये थोड़ी ना है कि उस धातु से उस सूत्र के द्वारा आपको ये पता लगना चाहिए कि ये धातु किस गण की है, ऐसा नहीं है। आपको यदि गण का विचार करना है, विकरण का विचार करना है, तो आपको गण याद करना पड़ेगा। ठीक है, गण याद करने से धातु तो याद नहीं होती है। गण याद करेंगे तो गण के अंदर धातु आएंगे। देखिए मैंने बोला आपको अष्टाध्याय याद करिए, तो अष्टाध्याय याद कर आपको मैंने बोला अष्टाध्याय याद करिए, तो आप तो आपने बोल दिया अष्टाध्यायी, आपको याद हो गया। अष्टाध्याय याद करने का मतलब ये है कि उस अष्टाध्याय के अंदर जो अध्याय है, पद पाद है, सूत्र है, वो याद करने हैं आपको। इसका मतलब मैंने एक गण याद करिए, इसका मतलब ये है कि उन गणों के अंदर जो धातु है उनको याद करिए। ठीक है महोदय, क्या समझा नहीं, धातु को याद करें, धातु को आपको याद करना पड़ेगा। पहले भवादी गण की धातु को याद कर लीजिए, ऐसे करके सभी गणों की धातु आपको याद करनी पड़ेगी। ऐसे इसका नाम धातु पाठ पढ़ा है क्या? जी जी जी। युगल जी, अब दूसरे को भी मौका दीजिए प्लीज। संचिता जी आप पूछ सकती हैं। नमो नमः महोदय। एक ये प्रश्न था कि हम जब विकरण घटाते हैं, जैसे शप का अ बचता है, श्यन का य बचता है, तो ये प्रक्रिया क्या हमने पहले सीख ली है? शायद मैंने मिस कर दी हो। हाँ जी, ये इत संज्ञा प्रकरण में पढ़ाया गया था मैंने, और ये शायद चौथी या पांचवी वीडियो पांचवी क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, आप YouTube माध्यम से आप उसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है जी जी, धन्यवाद। कृष्णकांत जी। हाँ नमो नमः महोदय। नमो नमः। मम तो एक सामान्य प्रश्न अस्ति, एक यतः यद अष्टाध्यायी सहज बोध अस्ति तत्र परिवर्तनम अस्ति, पेपर बुक इति भवति अन्यद हार्ड बुक इति भवति, तयोर मध्ये कः नेतव्यः इति। न पेपर बैक अपि नेतुं शक्नोति, हार्ड बैक आवश्यकं नास्ति। हार्ड बैक लाइब्रेरी इति आवश्यक अस्ति, अस्माकं आवश्यकं नास्ति। हाँ जी, हमारे पास तो केवल जो पेपर बैक है वही पर्याप्त है। लेकिन रेट के अंतर से ही मैंने प्रश्न किया आपसे, इसलिए डेली 100 आदमी पढ़ते हैं उसके लिए ज्यादा लगाते हैं, हम लोग को तो डेली यूज नहीं होती है, तो पेपर बैग लिख सकते हैं आप। मेरे पास भी पेपर बैग ही है, उसमें अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी सर। धन्यवाद धन्यवाद। स्वाति जी। हाँ नमो नमः। हाँ अध्यापक महोदय, ये आपने आज जो सिखाया उसमें शित प्रत्यय जहाँ लगती है परे होने पर, ये सभी प्रकरण में सिखाया, तो अभी हमने जो गण सीखे हैं उसमें सभी में एक मुझे लगता है तनादि गण छोड़ के सभी शित प्रत्यय ही लगते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल सही। हाँ सिर्फ एक ही छोड़ के तनादि, बाकी ये सभी शित प्रत्यय वाले ही है, ऐसा? ये बात आपकी सही है बिल्कुल। Okay. ये विकरण में केवल शित है। ठीक है ओके। और एक आगे दूसरा जब आगे आप हाँ, आगे हाँ, अन्य प्रत्यय पढ़ेंगे ना आप हाँ, जैसे उसमें आएंगे क्षत्री शान चान शानन खश हाँ, हाँ, शा, हाँ, ये और भी प्रत्यय आएंगे उसमें, उनमें भी तालव्य शकार की संज्ञा है,
तो हाँ. आपको केवल विकरण तक नहीं समेट रखना है, आगे भी समझना है. और आप केवल जितना मैं इतना अभी आपको समझ में आ गया. और शीत के अन्य उदाहरण जो है ना, आपके मन में प्रश्न आएगा कि उनका अन्य उदाहरण को भी उत्तर लेना है, तो अभी नहीं हो पाएगा. अभी केवल इसका समझिए, आगे जब समझेंगे ना आगे और पक्का होता जाएगा. हाँ जी, अगर आप अध्ययन करते रहेंगे उस प्रकार आपका मजबूत होता जाएगा. हाँ जी. और एक दूसरा प्रश्न था, ये जो आपने आज सिखाया ये सभी सूत्र, ये अष्टाध्यायी सहज बोध में भाग एक में है, पेज नंबर और मिल सकता है तो 212 नंबर नया वर्जन है, तो 212 नंबर नया वर्जन 215 तक, 212 से 215 तक. और जो केवल मात्र आज पढ़ाया गया है धात्वादेश, हाँ धात्वादेश, हाँ, वो धात्वादेश है आपका, हाँ 212 पे ही है, 212. ओहो, हाँ धन्यवाद महोदय. ठीक है. हाँ दक्षा जी, दक्षा दिशा. दक्षा महोदया, भारत बागेवाड़ी जी बोल रहे हैं. हाँ भारत. हेलो, हाँ मैं दक्षा बोल रही हूँ सर, मुझे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देना. महोदय जी, भारत जी बोलिए. हाँ, ये जो सूत्र पाठ होते हैं पाणिनी जी के सूत्र पाठ, उसमें क्या अनुवृत्ति, अधिकार, संज्ञा, विधि, परिभाषा इत्यादि का मार्किंग रहता है? कैसे पता लगेगा कि कौन सा अनुवृत्ति चल रहा है, किसका अधिकार चल रहा है, या संज्ञा है, विधि है, परिभाषा है? देखिए, संज्ञा परिभाषा इनके अनुसार तो आपको ये आपको वैसे पता लगाना पड़ेगा. जैसे कोई सूत्र कार्य कर ये कह रहा है कि इसका नाम यह होता है, इसका नाम यह होता है, ठीक है, या सीरियल नंबर से जाना है. हाँ, जैसे मतलब आप मतलब कि सूत्र को पढ़ के संज्ञा परिभाषा इन सब का ज्ञान, विधि सूत्र का ज्ञान तो आपको पढ़कर होगा इस सूत्र को, कि ये सूत्र क्या कार्य कर रहा है उसके अनुसार होगा. जैसे कि आपने पढ़ा कि उपदेशे जननासिक इत, ठीक है, तो कहा कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक वर्ण की इत संज्ञा होती है, संज्ञा होती है, तो ये इत नाम रख रहा है, ठीक है, इसलिए संज्ञा भी नहीं बोला, उपदेश अवस्था में अनुनासिक की इत होती है, ठीक है, तो इत होती है मतलब की संज्ञा होगी, करेक्ट, तो ये संज्ञा सूत्र है, ठीक है. अब तस्य लोपा आया, उसने कहा कि लोप लोप करना विधि सूत्र हो गया, ये विधि सूत्र हो गया, करेक्ट, इको यणची विधि हो गया, इको यणची, ये सब सूत्र विधि सूत्र हैं. और परिभाषा सूत्र इको गुण वृद्धि, आगे जब पढ़ेंगे आप तो कहेंगे कि गुण वृद्धि कहाँ होती है, तो कहेगा इक के स्थान पे होती है. लेकिन महोदय अनुवृत्ति के बारे में पूछ रहा था, अनुवृत्ति के बारे में कहाँ शुरू होती है, कहाँ से कहाँ तक रहेगा, कैसे पता लगे, वो मैं बता रहा हूँ सर. जैसे देखिए आप, वो आपको पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा, ठीक है, एक तो दूसरा आप भूल जाएंगे, आपको पुस्तकों में मिलेगा, ठीक है, कि पुस्तकों में बता दिया जाएगा कि इस पद की इस सूत्र तक अनुवृत्ति जाएगी, इस पद की. और जो अधिकार होते हैं, अधिकार देखिए, अनुवृत्ति और अधिकार में अंतर होता है. अनुवृत्ति होती है वो ज्यादा मतलब 10 सूत्र ले लेगी, 5 सूत्र ले लेगी, 6 सूत्र ले लेगी, ऐसे सूत्र लेगी. हाँ. पर जो अधिकार होता है वह लेता है लंबा चौड़ा, कम से कम 100, 200, 300, 350, 400, 500, 1000, 2000 भी ले लेता है. करेक्ट. जैसे कि 37वें अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है प्रत्यय. करेक्ट, 3, 4, 5 तीनों चैप्टर के लिए वही रहेगा. हाँ, अब वो जो सूत्र है प्रत्यय, उस पद उसमें जो प्रत्यय पढ़ा गया है वह तीनों अध्यायों में जाएगा, ठीक है. और तीनों अध्यायों में कम से कम ये मान लीजिए आपके 1500-1400 सूत्र तो होंगे ही. तो ऐसे कोई बुक है कि जिसमें ये ऐसे सेपरेट करके दिया गया है, प्रकरण वाइज दिया गया है, माता जी का कोई तो नहीं दिया जाएगा, सेपरेट करके नहीं जाएगा. जैसे वो है काशी का वृत्ति है, ठीक है ना, प्रथमा वृत्ति, तो प्रथमा वृत्ति में हर जगह लिखा रहता है. आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे उसमें भी लिखा रहेगा कि इस सूत्र की इस पद तक अनुवृत्ति जाएगी. लेकिन सिद्धांत कौमुदी में तो उनके क्रमांक नंबर अलग ही होते हैं, वो पाणिनि सूत्र के नंबर से मैच नहीं करते हैं. हाँ जी, वो मैच नहीं करते हैं. अब उनकी बात आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उन वो जो आगे वरदराजाचार्य जी थे, उन्होंने एक अलग प्रक्रिया बनाई लोगों के समझने के लिए.
माता जी की कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें कि ये प्रकरण वाइज दिया गया हो सूत्र? अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी माता जी की जो अष्टाध्यायी है ना, उनका सूत्र पाठ है, प्राणी प्रकरण निर्देश समन्वित सूत्र पाठ है, वो आप देख सकते हैं। जैसे माता जी ने अष्टाध्यायी जो दे रखी है, इसमें माता जी ने पहला अध्याय, जैसे पहला अध्याय है उसमें लिखा है कि वृद्धि संज्ञा लिखा है, ठीक है, तो वृद्धि संज्ञा लिखा है, उसके बाद सूत्र दे दिया वृद्धि राधेज, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा, वृद्धि राधेज, फिर लिखा है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र अधिंग गुण, परिभाषा इको गुण वृद्धि, तो काफी चीजों का बताया गया है इसमें, मतलब सभी चीजों का बताया गया है इसमें, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आपको बुक दिखाई है, आप देख सकते हैं इसमें। हाँ हाँ सर, इसका व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटोकॉपी डाल दीजिए ना, फ्रंट पेज का, ठीक है सर। धन्यवाद, धन्यवाद निकुंज जी, धन्यवाद महोदय, मनीष महोदय। देखिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सर एक तो क्वेश्चन और ले लेते हैं क्या? जी सर, यस सर। श्यामला जी, कोई क्वेश्चन है आपका? श्यामला जी, हाँ, ये जो लास्ट में पद्मनाम रस्व जो बताया वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। देखिए उस सूत्र को समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, उस सूत्र में आप केवल क्या करिए, आपको कुछ धातुएं हैं, 22-24 धातुएं हैं, उन धातुओं को आपको याद करना है, ठीक है, और उन धातुओं, वो सारी धातुएं दीर्घ हैं, मतलब उन सभी धातुओं में आपकी हिंदी, हमारी हिंदी भाषा में कहा जाए तो उन सब में बड़ा स्वर है, स्वर बड़ा वाला है, ठीक है। जैसे देखिए पू धातु दिख रही है आपको, पू में कौन से स्टार्टिंग में पू धातु है, ये कैसे दीर्घ है ना इसमें, और आपको बाद में देखिए जब हमने प्रक्रिया करी तो बाद में उसे क्या बन गया, छोटा बन गया। तो बस आपको क्या करना है, पादिनाम ह्रस्व इस सूत्र के द्वारा कुछ 24 धातुओं को याद करिए और इन धातुओं को ह्रस्व करना है, केवल कब करना है, छेद प्रत्यय परे होने पर, ठीक है। धन्यवाद। सर अभी आज का काम कक्षा समाप्त करते हैं सर। जी सर अवश्य। हाँ आप शांति मंत्र कर लीजिए पाठ। निकुंज महोदय जी, थोड़ा व्हाट्सएप पे वो कैसे मंगानी है वो थोड़ी सारी प्रक्रिया लिख देंगे क्या बुक को? अच्छा मैंने देखी है आपको व्हाट्सएप में, अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने की लिंक भेजी है चैट में। नहीं वो लिंक है मेरे पास, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। तो पुस्तक मंगानी है ना उसके लिए मुझे, मैंने पहले भी भेजी थी, अब मैं फिर से भेज दूंगा आपको। जो लोग नहीं होंगे ग्रुप में ऐड वो लोग हो जाइए, ठीक है। मनीष जी शांति मंत्र का जरा भेज दीजिएगा, पहले पहला मतलब पेज का कॉपी। शांति मंत्र करें सर? हाँ करिए सर। ओम भद्रं करणे विष्णुयाम देवाः, भद्रं पश्ये माक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरंगैः स्तुष्टुवागुंसस्तनुभिः, व्यशेम देवहितंयदायुः, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। नमो नमः सर्वेभ्यो, नमो नमः भानुवासरे पुनर्मिलामः। नमो नमः सर्वेभ्यो। निकुंज महोदय उसका पहले वाला पेज का जरा भेज दीजिएगा, धातु पाठ माता जी का। धन्यवाद। नमो नमः, नमो नमः, धन्यवाद। नमो नमः, नमो नमः महोदय, धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवाद सर, सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवाद। आर्थ जी अब मीटिंग ऐड कर दीजिए, यहाँ से हो नहीं रही है। आर्थ जी
है कि उस सर निकुंज सर आपकी निकुंज महोदय आपकी आवाज नहीं आ रही कह रहे हैं कि आपकी मीटिंग लीव कर दीजिए जी लीव करनी है जी नहीं मेरा यहाँ शायद हैंग हो गया है आप 5-7